नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे को कि बोतल पर हम मोजाइक कर सकते हैं क्या, या बोतल पर हम बॉल पुट्टी या वाइट सीमेंट का काम कर सकते हैं, क्योंकि वो लगाने के बाद कई बार शिकायत आती है कि वो झड़ जाता है। लेकिन आपने मेरा बेस वाला वीडियो देखा होगा, उसके अंदर मैंने वाइट सीमेंट से बेस देना सिखाया है। जब मैंने वाइट सीमेंट का बेस देना सिखाया था, तभी मुझे लगा कि इसको और जगह भी हम कर सकते हैं। तो आज मैं इसको बोतल आर्ट के ऊपर लेकर आई हूँ। तो बोतल आर्ट के ऊपर मैंने किया है और कैसे किया है, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बोतल आर्ट करने के लिए मुझे बोतल चाहिए थी, और वैसे भी मेरे पास में ये ग्लू की बहुत सारी बोतलें खाली हो जाती हैं। और आज मैंने बोतल के ऊपर इसी तरीके का कुछ किया है। तो चलिए बोतल को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये जो बोतल ली है, इनके ऊपर से रैपर हटा लेते हैं। आप कोई भी बोतल ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये ग्लू की ही बोतल चाहिए। आप कोई भी सिंपल जो बोतल होती है प्लास्टिक की, वो भी आप ले सकते हैं। पहले मैंने जो इसके ऊपर रैपर है उनको हटा लिया है, उसके बाद में ये प्लेन हो गई है। और हाँ, एक बात और बता दूं कि इन बोतल के अंदर जब ये खाली हो गई थी तो काफी सारा ग्लू नीचे रह जाता है, जो कि नहीं आता ऊपर। तो मैंने क्या किया, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डाला, और उन बोतलों को सेक करके नहीं, एक बोतल के अंदर सारा पानी ऐसी डालती गई और इकट्ठा हो गया, और एक बोतल के अंदर इकट्ठा करके रख लिया है। तो जब हम पेपर वगैरह लगाते हैं, जब ग्लू में पानी मिलाना पड़ता है, तो मैं इसी वाले ग्लू को यूज कर लेती हूँ, और मेरा इस तरह से काफी सारा फेविकॉल बच जाता है, और यहाँ से हमारी बचत हो जाती है और वेस्ट भी नहीं जाता है। रैपर हटाने के बाद में मैंने एक कलर की बोतल रख के नहीं, इस तरह से पेन से निशान लगा लिया है, क्योंकि मुझे रिंग में निशान लगाना था, और बोतल के ऊपर निशान लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हम सिंपल निशान लगाते हैं तो वो जब गोल गोल घुमाते हैं तो वो कहीं का कहीं चला जाता है। तो मैंने इस तरह से बोतल रख ली थी और उसके बाद में निशान लगा लिया, काफी परफेक्ट मेरा निशान भी आ गया। और उसके बाद मैंने मास्किंग टेप लगाया है, क्योंकि मास्किंग टेप लगाने के बाद ही हम अपने आगे का काम करेंगे, क्योंकि मास्किंग टेप लगाने के बाद हमें जो काम करना है वो काफी इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो जो मास्किंग टेप भी लगाया है, मैंने दो साइड लगाया है और बीच में एक स्पेस छोड़ दिया है जहां मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि वहां मुझे वर्क करना है। तो फ्रेंड्स, यहां भी मैंने उसी तरह से पट्टी ली है, जो कॉटन की पट्टियां हैं वो मैंने ली है और उनको पीसेस में काट लिया है। तो यहां मैंने छोटी छोटी पट्टियों को यूज किया है और वही ग्लू यूज किया है जो पानी मिलाकर रख लिया था, और इस तरह से मेरे काफी सारे ग्लू की बचत हो गई, और लगाना भी आसान हो गया कि मिलाओ और फिर लगाओ। डायरेक्ट मैंने बोतल में से ग्लू निकाला और स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से छोटी छोटी बचत हमारी हो जाती है, यहाँ पर हम लोग कई बार ध्यान नहीं देते और बोतल हटा देते हैं। जो छोटी वाली बोतल होती है जिनसे मैं मिरर लगाती हूँ, मैं उनके अंदर भी मैं यही काम करती हूँ कि पानी डाल के बाद में ग्लू को निकाल लेती हूँ और एक बोतल में इकट्ठा कर लेती हूँ, और वो भी हमारी काम आती है, पर वो तो हमारे मिरर लगाने के ही काम आ जाती है। और इस तरह से मैंने पूरी बोतल में पट्टी लगा ली है, और पट्टी लगाने के बाद में इसे ड्राई होने रख दिया। बोतल ने ड्राई होने में थोड़ा टाइम लिया था, क्योंकि कॉटन की पट्टी है और वो गीली हो गई, तो थोड़ा सूखने में टाइम लगा था। तो मैंने 1 से 2 घंटे के लिए इसको ड्राई होने रखा। ड्राई होने के बाद जो हमारी बोतल है वो एकदम से टाइट हो गई थी। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने ये मिरर लगा लिए। मिरर जो भी है आपके पास वो आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ कैरी शेप के और राउंड मिरर लगाया है, उसका फ्लावर बनाया है, और एक के बाद एक ऐसे में फ्लावर बनाती चली गई। तो राउंड में मेरे कम से कम 4 से 5 फ्लावर इसमें बन गए थे। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, देखते रहिए। मैं अभी बता नहीं रही हूँ कि हम क्या बना रहे हैं, इसके ऊपर क्या करने वाले हैं, वैसे तो आप समझ ही गए हैं। तो इस तरह से मिरर को एक सिक्वेंस में लगाते जाएंगे, बराबर स्पेस छोड़ते हुए। मिरर आजकल बहुत तरह के आ रहे हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी कटिंग्स हमें मार्केट्स में मिल रही है, और हमारे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप की लिंक दी हुई है, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार कमेंट आते हैं मुझे कि आपने ये तरह तरह के मिरर कहाँ से लिए, तो मैं आपको हमेशा यही बताती हूँ कि व्हाट्सएप की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप भी इस तरह के मिरर परचेज कर सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप की लिंक देख सकते हैं। फ्लावर बनाने के बाद में ऊपर जो है मैंने राउंड शेप के मिरर लगाए हैं, और नीचे भी मैंने राउंड शेप के मिरर लगाए हैं, इस तरह से एक बॉर्डर बन गया। तो मिरर यहाँ पर आप कोई से भी एडजस्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ मैंने फ्लावर बनाया तो इस तरह से लगाना है। आप इस तरीके के ना लगा कर ट्रायंगल वगैरह कोई भी लगा सकते हैं। मैंने 2-3 तरह से मिरर लगाए हैं।
ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरे में मिरर लगा लिए और आप देख सकते हैं कि बोतल पूरी मिरर से भर गई है। तो इस तरीके से किसी में मैंने राउंड लगाए हैं, किसी में मैंने ट्रायंगल लगाए हैं और यहाँ मैंने 2 से 3 बोतल तैयार की हैं। और ये मैंने ली है व्हाइट सीमेंट, जो बिरला व्हाइट सीमेंट या कोई भी कंपनी की आप ले सकते हैं। और सीमेंट के अंदर थोड़ा सा फेविकोल डाला है और फेविकोल के साथ ही मैंने ऑरेंज कलर दिया है। फ्रेंड थोड़ा सा मैंने पानी वाला जो फेविकोल है वो भी मिला लिया, तो बहुत 2 बूंद पानी थी उसके अंदर, कोई ज्यादा नहीं था, पानी बहुत नहीं डालना है। और यहाँ देखिए मैंने ऊपर ट्रायंगल शेप के भी लगाए हैं। और पेस्ट बनाने के बाद में जो हमारा सीमेंट का पेस्ट बनाया है मैंने ऑरेंज कलर डाल करके नहीं, उसको हम इस तरीके से लगाते जाएंगे। किसी भी नाइफ से, किसी भी प्लेन सरफेस से आप लगा सकते हैं इसे, किसी भी प्लेन जो आयरन पत्ती आती है आप उससे भी लगा सकते हैं। और लगाने के बाद में इसे 5 से 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि सीमेंट है तो हम बहुत ज्यादा देर तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैंने 5 से 10 मिनट छोड़ने के बाद में इसे साफ कर लिया है और आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा मिरर के ऊपर से जो मैं स्पॉन्ज से गीला करके हटाती जा रही हूँ, पहले मैंने थोड़ा सा साफ कर लिया था, उसके बाद में थोड़ी देर मैंने छोड़ दिया था। जब थोड़ी देर और ड्राई हो गया हमारा जो पेस्ट है, फिर उसके बाद में मैंने दोबारा साफ किया। अब हमने जो मास्किंग टेप लगाया था उसे मैंने नाइफ से काट के हटा दिया। नाइफ को मैंने थोड़ा सा गर्म किया था, क्योंकि गर्म नहीं करती तो शायद बहुत टाइम लग जाता मुझे काटने में, लेकिन गर्म करने के बाद में बहुत इजी हो गया था उस चीज को निकालना। और दोनों साइड से मास्किंग टेप जो लगाया था वहां से मैंने कट करके हटा दिया है। साथ ही जो बोतल का ढक्कन है वहां भी मैंने थोड़ा सा जूट लगा लिया है, कि जूट लगाने के बाद में जो हमारी बोतल का ढक्कन दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है और काफी अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरी 3 तरह की बोतलें मैंने तैयार की हैं, ऑरेंज, ग्रीन, तीनों ही अलग अलग तरह के मिरर्स लगे हैं, तीनों में ही अलग अलग तरह के डिजाइन बने हैं। और चलिए अब इनके अंदर प्लांट लगा के देख लेते हैं। और फ्रेंड्स प्लांट लगाने के बाद जब मैंने बॉल पर इनको हैंग कर दिया है तो बहुत ही सुंदर लग रही है। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा बोटल आर्ट करती नहीं हूँ, काफी टाइम से मैंने करी भी नहीं थी और आज मैंने बहुत टाइम बाद बोटल आर्ट बनाई है। अच्छा लगा मुझे तो बोटल आर्ट बना करके। नहीं तो देखा आपने कितनी सुंदर बोतल हमारी बन चुकी है। और बोतल के ऊपर मोजाइक ये मैंने पहली बार किया है, शायद मैंने इससे पहले देखा भी नहीं है कि प्लास्टिक बोतल के ऊपर मोजाइक। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है और हमारा वो भी सीमेंट से। फ्रेंड्स इस तरह से आप तरह तरह के डिजाइन बना सकते हैं और बोतल्स के ऊपर यानी कि प्लास्टिक के ऊपर मोजाइक एक बहुत अच्छा तरीका है। जो सीमेंट का बेस बनाया था उसी तरीके से इसको बनाया है। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर बोतल बन गई है। वैसे तो हम बहुत तरह तरह की बोतल्स आर्ट बनाते हैं, लेकिन ये जो आर्ट है मोजाइक वाली ये मैंने पहली बार की है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो और आज की ये बनाई हुई बोतल आपको कैसी लगी? फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई आर्ट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।